देश के लोकप्रिय चैनल डायनामाइट न्यूज पर देखिए देश का सबसे बड़ा क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट, हर गुरुवार शाम 6:30 बजे। डाउनलोड करें डायनामाइट न्यूज का मोबाइल ऐप और पाएं देश और दुनिया की हर खबर सबसे पहले, वो भी मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं रोहित गोयल, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। देश के सबसे बड़े क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट पर आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्या, रेप, लूट, डकैती जैसी घटनाओं का दिल्ली रोज साक्षी बन रही है। सड़क पर कानून दम तोड़ता नजर आ रहा है और पुलिस बेबस दिखाई पड़ रही है। हाल ही के दिनों में देश की राजधानी दिल्ली गैंग वॉर की सनसनीखेज घटनाओं की साक्षी बनी। सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल से लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सरेआम गैंग वॉर से दिल्ली और दिल्लीवासी सहम गए। राजधानी के व्यस्त इलाकों में शुमार रजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट में हुए शूटआउट ने हर किसी को दहला कर रख दिया। पुलिस पर सवाल उठने लगे, पुलिस ने भी तुरंत जवाब दिया और शूटआउट में शामिल तीनों बदमाशों को एनकाउंटर में हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने इस एनकाउंटर को दिल्ली में नहीं बल्कि हरियाणा में अंजाम दिया। सोनीपत में हुए इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच 43 राउंड फायरिंग हुई। आखिरकार पुलिस ने 3 कुख्यात बदमाशों को मार गिराया। मारे गए बदमाशों में आशीष उर्फ लालू, सन्नी खरार और विक्की रिधाना शामिल थे। इन बदमाशों की मौत की पटकथा रजौरी गार्डन बर्गर किंग में हुए शूटआउट ने खुद ही लिख दी थी। तकरीबन 9:45 बजे रजौरी गार्डन थाने में लोकल 20 स्टाफ को एक खबर मिली थी, जिसमें कि बताया गया कि बर्गर किंग पे यहाँ पे कुछ गोलियाँ चली हैं। उसको ध्यान में रखते हुए जो बीट ऑफिसर्स थे उन्होंने और लोकल थाने के स्टाफ ने रिस्पॉन्ड करा। यहाँ पर पहुँचने पर जब वो घटना सत्य पाई गई तो डिस्ट्रिक्ट की जितने भी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स, एटीएस, उन सबको यहाँ पे मोबिलाइज करा गया। पहुँचने पर जो अभी तक जानकारी में आया है क्राइम टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में, उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए टीमों का गठन करके और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले आशीष उर्फ लालू और विक्की रिधाना ने 18 जून को रजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट में 26 वर्षीय अमन जून की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये शूटआउट दो गैंग के बीच गैंग वॉर का नतीजा था, जो 2020 में नीरज बवानिया के मौसेरे भाई शक्ति दादा की हत्या से जुड़ा हुआ था। ऐसा ही एक शूटआउट दिल्ली के रजौरी गार्डन में हुआ। इस शूटआउट की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको डायनामाइट अलर्ट में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे इस गैंग का कैसे एनकाउंटर में खात्मा हुआ। पुलिस रजौरी गार्डन शूटआउट के अपराधियों की तलाश में दिन रात एक किए हुए थी। तभी पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा और पुलिस रात को रोहतक चिनौली रोड पर जा पहुंची, जहां पुलिस ने कार में सवार तीनों लोगों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस को देखकर मौका देख भागने की कोशिश की और कच्ची सड़क की ओर गाड़ी उतार दी, लेकिन गाड़ी खेत में फंस गई और पुलिस ने उन्हें घेर लिया। तीनों आरोपियों ने कार में बैठे हुए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली एएसआई अमित के पैर में लगी, एक गोली डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित गोयल और एसपी उमेश बल्थवाल के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी। बाद में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। पुलिस ने 19 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से सनी को 5, आशीष और विक्की को 3-3 गोलियां लगी। तीनों अपराधी मौके पर ढेर हो गए। इन बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। तीनों हिमांशु भाऊ गैंग के सदस्य थे, जो कि पुर्तगाल से गैंग को ऑपरेट करता है। एक सप्ताह पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया था
कि पुलिस ने उनके गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा और एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। जून में एक घटना घटित हुई थी बर्गर किंग में, रजौरी गार्डन में, जिसमें एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 2 लोग उस बर्गर किंग में घुसकर उन्होंने गोलियां चलाकर उस आदमी को मारा था। इसकी इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस लगी हुई थी और क्राइम ब्रांच को भी टास्क किया हुआ था। क्राइम ब्रांच की सारी टीमें इस पर काम कर रही थी और एक एनडीआर की टीम, जो हमारी अमित गोयल जिसके डीसीपी हैं और उमेश भरतवाल, उनको स्पेसिफिक सूचना कल मिली कि 3 जो एक्यूज्ड हैं, 3 क्रिमिनल्स जो गैंगस्टर्स हैं, वो इस तरफ दिल्ली की तरफ आएंगे और दिल्ली में एक वारदात को अंजाम देंगे। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया हरियाणा पुलिस के साथ और सोनीपत की एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इनको सोनीपत में खरकोदा के पास इंटरसेप्ट किया। जब चैलेंज किया तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में हमारे लोगों को भी गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी, एक आध हमारा आदमी ऑफिस स्टाफ इंजर्ड भी है। और जवाबी फायरिंग में हम लोगों ने जब फायर किया तो ये 3 बदमाश जो थे वो ढेर हो गए। ये 3 आशीष लालू, विक्की और सनी गुजर हैं। इन पे पहले बहुत सारे मुकदमे हैं और काफी केसेस में ये वांटेड चल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद साफ किया कि सोनीपत में हुई मुठभेड़ से पहले 3 आरोपियों को कभी भी नहीं पकड़ा गया था। 3 बहुत ही खतरनाक शूटर थे जो किसी पर गोली चलाने से नहीं डरते थे। उन्होंने पहले भी कई ऑटो शोरूम, मिठाई की दुकानों पर गोलीबारी की थी और व्यापारियों से पैसे वसूलने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उन्हें डराने के लिए गोलीबारी भी की गई थी। मारे गए गैंगस्टर में आशीष उर्फ लालू और विक्की रिधाना ने इसी साल मार्च में मूठल में गुलशन ढाबा के बाहर एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरियाणा पुलिस ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए से अधिक का इनाम भी घोषित किया हुआ था। ये मुठभेड़ दिल्ली पुलिस के डीसीपी अमित गोयल और हरियाणा एसटीएफ के डीएसपी इंद्रवीर की अगुवाई में की गई थी। तो आज के लिए डायनामाइट अलर्ट पर इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए और चारों ओर नजर रखें, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। नमस्कार।